मैं आपको उनको सबसे पहले दूंगी इंग्लिश का लेक्चर. फोर लेटर राइमिंग वर्ड्स, फोर लेटर चार अल्फाज. राइमिंग मींस हम आवाज़ अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है. जैसा कि हमारे पास अल्फाज है बी ओ एन बॉम्ब, बी की साउंड ब, बॉम्ब. इसका राइम जो है बनेगा सी ओ एम कॉम, बी की साउंड ब, कॉम्ब. इसको आप लोगों ने बी को जो है थोड़ा सा लंबा करना पड़ना है. बी ई ए बी, बी की साउंड बीड. तो इसका राइम होगा एल ई ए ली, डी की साउंड लीड. एल ओ ए लो, डी की साउंड लॉर्ड. तो इसका राइम होगा आर ओ ए रॉ, डी की साउंड रॉड. इसी तरह ही हम लोगों ने ये वाला पढ़ना है आर डब्ल्यू डी, क्योंकि जब दो टू टाइप किया जाता है तो हम लोग जो है उसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं. आर डब्ल्यू डी, डी की साउंड रीड. इसका राइम होगा एस डब्ल्यू सी, डी की साउंड सीड. पहले लफ्ज जो है उसकी आवाज जो है सबसे ज्यादा आती है. बच्चों मैंने थोड़े से वर्ड जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी जो है वर्ड वो आप लोगों ने पेज नंबर 16 के ऊपर खुद से कर लिए हैं. उनको अच्छे से रीड करना है और आप लोगों ने डेली जो है इसमें से कॉपी वर्क भी किया करना है और आप लोगों को ये डिक्टेशन के तौर पर भी वर्ड लिखवा जाएंगे. उसके बाद है नेक्स्ट एफ आई आई फायर. ये वाली जो स्पेलिंग है आप लोगों ने, ये सारी स्पेलिंग आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि आप लोगों को पेपर में पिक भी ली जा सकती है. आप लोगों ने स्पेलिंग में आपको खुद से राइट करने होंगे या आप लोगों को इसमें से डिक्टेशन भी लिखवाई जा सकती है. उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 17. वहाँ पे भी सबसे पहले जो है वो राइमिंग वर्ड्स ही लिखे गए हैं. जैसा कि यहाँ पे दिया है सी ए वी ई के व, तो हम इसका जो है वो राइमिंग वर्ड होगा जी ए वी ई गे व. सब जी की साउंड जो है वो ज़्यादा आ रही है इसमें, से व वे व. और उसके बाद है डब डी ओ वी ई डब, एल ओ वी ई लव. इसका राइमिंग डब का जो राइमिंग है वो होगा लव. इसी तरह ही ये बाकी पेज जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से भी याद करना है. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे यूज के, द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड. आप लोगों को बच्चों पता है कि वोवल्स के साथ हम लोग एम लगाते थे, लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ जो था वो हम लोग ए यूज़ करते थे. तो इसी वजह से कॉन्सोनेंट के साथ ए, इसी वजह से आप लोगों ने जो है वो ए ही यहाँ पे यूज़ करना है. यहाँ पे जब भी कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ आप लोगों ने ए लगाना है. जैसा कि आर्किंग, आर्निंग, आर्टिश, ये सारे वर्ड जो हैं आप लोगों ने इसी तरीके से याद करने हैं. उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, फोर लेटर राइमिंग वर्ड्स. वो भी बिल्कुल यही है. राइमिंग मीन्स हम आवाज़ अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी आती है. जैसा कि आर डबल ओ टू, क्योंकि डबल ओ जो है उसको थोड़ा सा आप लोगों ने लंबा करके पढ़ना है. आर डबल ओ टू एम की साउंड म, रूम. तो इसका राइम होगा आर जी डबल ओ जू एम की साउंड म, जू म. तो आप लोगों ने ये पेज जो है बिल्कुल इसी तरीके से सारा पेज आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है. उसके बाद हम लोग जाते हैं नीचे लर्न स्पेलिंग. स्पेलिंग जो है वो आप लोगों ने याद करनी है. जैसा कि आप लोगों को पिक दी हुई है बी ओ ए बो, टी की साउंड बो ड. इसी तरह से ही अगला नेक्स्ट वर्ड है जी ओ ए गो, टी की साउंड गोट. ये सारे वर्ड जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से ही याद करने हैं और डेली इस पेज की भी आप लोगों ने डिक्टेशन लिखा करनी है इधर में, ताकि आप लोगों को ये वर्ड है वो भूलेगा. नेक्स्ट है सर्कल का करेक्ट वर्ड राइम विद बॉम्ब्स. आप लोगों को यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है बॉम्ब, तो आपको उन्होंने कहा है कि राइम का मतलब जो आप लोगों को पता है कि हम आवाज अल्फाज. यहाँ पे नीचे थ्री ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि फूड है, कॉम्ब है और हार है. तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखना है कि जिसके एंड पे थ्री लेटर्स सेम आ रहे हैं उसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने सर्कल कर देना है. जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ओ एम भी है और यहाँ पे भी ओ एम भी है, तो इस वजह से हमने इसके ऊपर जो है वो सर्कल लगा देना है. उसके बाद सारे जो है आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं. नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट राइम विद अदर. पहले आप लोगों ने उसके ऊपर सर्कल किया था जो राइम था, जो मिलते जुलते अल्फाज थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने उसके ऊपर सर्कल करना है जो मिलते जुलते अल्फाज नहीं है, ये याद रखना है. जैसा कि सी ए के ई के क, केज मेक. आप लोगों को पता है केक इसके एंड पे भी ए के ई और इसके एंड पे भी ए के ई आ रहा है, तो ये आपस में मिलते हैं. इस वजह से हमने इनके ऊपर सर्कल नहीं करना क्योंकि यहाँ पे डज नॉट दिया गया है, तो हमने केज के ऊपर जो है वो सर्कल लगा दिया है. इसी तरह ये पूरा आप लोगों ने करना है. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे मैक्स आर राइमिंग वर्ड्स.
आप लोगों ने रानी वर्ड्स के उनको मैच करना है, एस ई ए एल सी ल। तो हम लोगों ने यहाँ से ढूंढना है कि जिसके एंड पे थ्री वर्ड जो है वो सेम आ रहे हैं, तो उसके उसको हम लोगों ने मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे एस ई ए एल सी ल, यहाँ पे हम लोगों ने देखना है किसके एंड पे ई ए एल आ रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको मैच कर देना है। पैट है तो यहाँ पे हम लोग जो है वो पैट के साथ उसको मैच करेंगे। इसी तरह ही आगे मेन रूलर ऑफ यूर वर्ड्स, आप लोगों को पता है कि सिंगुलर का मतलब है एक चीज और रूलर में ज्यादा चीजें, तो यहाँ पे हम सी ए आर कार्ड, डी की साउंड कार्ड, तो इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे एस का इजाफा कर देना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी ए आर कार्ड, साथ एस लगा देंगे क्योंकि वो कार्ड बन जाएगा और वो ज्यादा चीजें।